आज कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए है, 2024 का पेपर गणित देख रहे ना, अनुक्रांग देख रहे ना, पूरा सब कुछ दिखाए, B1 IX गणित पूर्णांक 70 देख रहे, कक्षा नौ, एक क्लोज है पेपर का, B1 IX, समय 3.25 घंटे देख रहे ना, और या सेट टू होगा, अब सेट टू आपका जा रहा है, जल्द से जल्द तीसरा मिलेगा देख रहे ना। बहुत ही महत्वपूर्ण GIC का पेपर है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, जहाँ पर सेंटर आए हुए हैं मतलब 10 और 12 का, वहाँ के विद्यार्थियों का परीक्षा पहले हो जा रहा है, वहाँ का पेपर है, समझ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, बहुत से विद्यालय में पेपर पहुँचा हुआ है, ये भी उच्च दुकान का पेपर है। अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले, और इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए या वीडियो और या चैनल रामबाण है, समझ रहे हैं, बहुत ऑल इंडिया में छाया हुआ है, बहुत कमेंट आते हैं, पेपर बिल्कुल बिलोंग करता है, मैच करता है, समझ रहे हैं, और कई क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 1.999 P/Q के रूप का होगा, तो इसमें कौन सा उत्तर इसका विकल्प सही है, देख रहे हैं ना, चार विकल्प दिया गया है, इसमें से आप जो सही होंगे उसमें आप करेंगे। 3√3 का मान पहला वाला अपना देख लेंगे, ये हमें सही सवाल नहीं लग रहा था, और दूसरा का हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे दोनों को मिला करके तो 3 × 4√3, तो सी विकल्प सही है। बहुपद 0 बहुपद की घात होगी, पहला विकल्प सही है ए। चौथा क्वेश्चन है, क्या रहा है कि x^2 × 5x − 6 के गुणनखंड होंगे, तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, देख रहे हैं ना, आगे लिखा गया है PTO, प्लीज टर्न ओवर, देख रहे हैं ना, ये इसके बाद आगे देख रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, शेयर अधिक से अधिक करना है, समझ रहे हैं, जल्द से जल्द आपको ये बताना है कि कौन सा सेट आपके यहाँ पहुँचा है, कौन सा सेट आपके विद्यालय में आया है, कमेंट करके, ठीक है, अगर आप ये बता देते हैं कि हम किस जिले से हैं, तो ज़्यादा लाभ हमें होगा पेपर पहुँचाने में, डालने में, कि कहाँ तक हमारा पेपर मैच कर रहा है, समझ रहे हैं ना। और लेकिन बहुत से बच्चे एक पेपर देख करके, अरे भाई बहुत पेपर डाले गए हैं, सबको देखिए, कमेंट करिए, यक्ष अक्ष से बिंदु की दूरी कोट कहलाती है, क्या कहलाती है, कोट, बिंदु √3, √5 स्थित है तृतीय चतुर्थांश में, रैखिक समीकरण 2x√5y = 7 का एक अद्वितीय हल है, यक्ष अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 0, 65° का पूरा कोण 25° होगा, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में आए तो सबसे छोटा कोण 40°। यूक्लिड किस देश का निवासी था, यूनान का, देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांगता की कसौटी नहीं है, यस ए मतलब तीसरा विकल्प, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति है आयत, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी 9 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है समकोण, देख रहे हैं ना, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3, देख रहे हैं ना, 25√3। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, 96 सेंटीमीटर / 2 संपूर्ण पृष्ठ वाले घन की कोर है 4 सेंटीमीटर, गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 π/r³, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों का माध्यक 24 है, तो यक्ष का मान होगा, अब इसमें आपको निकालना है तो क्या आएगा इसका मान, इसका मान 21 आएगा, देख रहे हैं ना, वर्ग अंतराल 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है, दोनों जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 105 आ जाएगा, वर्ग चिन्ह 105। खंड बा 256 / 5/4 का मान होगा, इसके लिए करणी के अंदर हो जाएगा 4, 256 लिखेंगे, यहाँ घात 4 हो जाएगा, और 256 के पूरे की 5 घात हो जाएगी, मतलब 256 × 256 × 256 5 बार लिखा जाएगा, देख रहे हैं ना, इस तरह हल कर लेंगे, 3x²-x − 4 के गुणनखंड होंगे, मतलब 4 × 3 = 12, 12 का ऐसा खंड कटाई पर 1 आए, 4 × 3 = 12, 4 + 3 = 1, देख रहे हैं ना, बिंदु √3, 7 तथा 4/5 को ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए, देख रहे हैं ना, रैखिक समीकरण 3x − 4y = 12 का आलेख खींचिए,
चित्र में ए बी बराबर सी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर बी डी होगा। देख रहे ना, पी ओ क्यू एक सरल रेखा है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे ना, फिर अगला कह रहा किन्हीं पांच खंडों को हल कीजिए। संलग्न चित्र में ए सी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए डी है तो सिद्ध कीजिए कि बी सी बराबर डी ई। ये आप अपना किताब खोलेंगे तो बहुत से प्रश्न जो दिखाई दे रहे हैं उदाहरण के आए हुए हैं। बिंदु पी क्यू आर आर एस क्रमशः समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ये चतुर्भुज का चिन्ह है, देख रहे हैं ना। पी टी यू आगे लिखा गया, प्लीज टर्न ओवर। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा अटेम्प्ट करना है, शेयर अधिक से अधिक करना है, समझ रहे हैं, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। अपने रिलेटिव सगे संबंधी मिस्र इष्ट पूरे इंडिया में फैला दीजिए चैनल। आपको फिर पूरा कई सेट पेपर मिलने वाले हैं। जो पुरातन छात्र हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि सर जी कितने वीडियो डालते हैं, कितने पेपर डालते हैं। हर पेपर के चार चार पाँच पाँच सेट आपको मिलेंगे हर कक्षा वालों को, समझ रहे हैं। अगला है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपका प्रमेय है, बिल्कुल लिख देंगे। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर घाते 2 के क्षेत्रफल पर करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर भीमाओं वाली कितनी ईंटों पर पेंट हो जाएगी। एक संघ की त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:4 का अनुपात है। यदि संघ का आयतन 301.44 सेंटीमीटर घाते 3 है तो संघ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर 3.14 है। निम्नलिखित बंटन का आयत चित्र बनाइए। देख रहे हैं, यदि x बराबर 3√3 धन √2 अपान √3 माइनस √2 y बराबर इतना है तो x स्क्वायर y का क्रमांक 6 नंबर का। देख रहे हैं ना, इसका हर का परमेयीकरण कर लेंगे, पहले इसका भी परमेयीकरण कर लेंगे, फिर दोनों जोड़ देंगे जो है आ जाएगा। देख रहे हैं ना, फिर किसी चाप पर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना, प्रमेय है, बिल्कुल आपके किताब में है, एकदम सत्यापित कीजिए। देख रहे हैं, सवाल आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल 1/2 ब्रेकेट के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बड़ा ब्रेकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अथवा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, कोण ए का समद्विभाजक बी सी को सी पर मिलता है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी डी इज इक्वल टू कोण ए सी। देख रहे हैं, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 420 मीटर, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। यदि इसकी भुजाएं 6:7:8 के अनुपात में हैं तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर दो वृत्त की दो समान जीवाएं ए बी व सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काटती हैं, वृत्त का केंद्र ओ है, सिद्ध कीजिए कि पी बी बराबर पी डी। देख रहे हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।